माजी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, यहाँ की माजी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नाच भैया जी। देखिए जनपद सोनभद्र की चौपन ब्लॉक के ग्राम पंचायत गोटा में जवारी डार में आश्रम पद्धति का विद्यालय है, जिसमें जनपद के गरीब सुदूर क्षेत्र के आदिवासी बच्चे, गरीब बच्चे, दलित बच्चे, पिछड़े बच्चे, सभी प्रकार के गरीब बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। और जब उन बच्चों को न समय से अच्छा खाना मिल दिया जा रहा है, न पढ़ाई पठन पाठन का कार्य हो रहा है, बल्कि उन बच्चों से शौचालय साफ कराया जा रहा है, उन बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है, ग्राउंड साफ कराया जा रहा है, इन बातों से प्रताड़ित होकर जब बच्चों ने सुना कि आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जनपद सोनभद्र में आ रहे हैं, तो वह बच्चे अपनी व्यथा की शिकायत करने योगी जी से मिलने जा रहे थे। जब उन्हें पुलिस ने रोक दिया तो उन लोगों ने सड़क जाम कर दिया और जिद पर बैठ गए कि कम से कम योगी जी आएं और देखें कि हमें मेरे साथ क्या व्यवहार हो रहा है उन बच्चों के साथ। तो इन बातों से पुलिस ने सत्ता पक्ष के इशारे पर इतना बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया कि क्लास वन के बच्चे, टू के बच्चे, लेकर के 5-10 तक के बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। बुरी तरह से उन गरीब बच्चों को पीटा गया। जो बच्चे गरीब हैं, असक्षम हैं, अगर वो अपनी बात कहना चाह रहे थे तो उन्हें उनकी बात करने से रोका। इस बात की जानकारी जब समाजवादी पार्टी के हम सभी कार्यकर्ताओं को हुई तो हम लोगों ने तत्काल पार्टी कार्यालय पर बैठक की और वहाँ पहुँचकर उन बच्चों की मदद करने की योजना बना रहे थे। तभी अचानक सत्ता पक्ष के इशारे पर योगी जी की पुलिस ने कार्यालय के अंदर घुसकर अलोकतांत्रिक तरीके से जबरन कार्यालय से हम सभी लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन आज बच्चे जो है उनको मिलने नहीं दिया गया। बच्चे जब सड़क पे आ गए और सड़क पे आके जो है अपनी बात को रखने लगे और सड़क जाम हो गया। और जिस तरह से इस प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा और यहाँ के पुलिस द्वारा जो है उनके इशारे पर पुलिस द्वारा उन आदिवासी बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे थे, मासूम बच्चे थे, उनको जिस तरह से लाठियों द्वारा पीटा गया, इसका समाजवादी पार्टी घोर निंदा करती है। लोग चालू नहीं करा पाए। ये वहाँ पे शौचालय देखने गए हैं जो भगवा रंग में पूरा रंग गया कि नहीं रंग गया, और वहाँ पे ये फल वितरण करने का इनका कार्यक्रम है। समाजवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है कि आप अगर जिले में आए हैं, सूबे के मुखिया हैं, तो आप विकास की योजनाओं को यहाँ नई नई घोषणाएं करो। जो पुरानी योजनाएं नहीं, आप अगर नई घोषणा नहीं कर सकते तो जो पुरानी योजनाएं अखिलेश यादव जी ने यहाँ शुरू की हैं, कम से कम ट्रामा सेंटर को चालू करा देते, प्लास्टिक सर्जरी जो देख के गए उसको चालू करा देते, आप स्वयं जा करके देखा और उसको चालू नहीं करा पाए, आज वो शौचालय देखने गए हैं। ये दुर्भाग्य है देश का कि देशवासियों ने ऐसे सरकार को बना दिया जो जुमला लेकर आज भोग रहे हैं।